प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। तो मैं हो गया हूँ तैयार अब जाने के लिए दिल्ली। नया सफर है, नया शहर है, लेकिन परमेश्वर वही है जो पटना में है वही दिल्ली में है। तो अभी बहुत प्रार्थना के साथ मैं निकल रहा हूँ घर से। तो दिल्ली का सफर जैसा भी होगा, जितने भी दिन का होगा, या फिर परमानेंट होगा, टेम्प्रेरी होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर लेके जा रहा है। तो कुछ योजना के साथ पापा मम्मी को बाय बोलने का टाइम आ गया, भाई को, बहन को, सबको बाय बोलने का टाइम आ गया है। तो मैं जा रहा हूँ अब दिल्ली सफर में। चलिए आगे की बातों में दिखाता रहा हूँ, ये ब्लॉग मम्मी पापा भी देखते हैं तो अपडेट रहेंगे मैं क्या कर रहा हूँ हर दिन में। सभी को जय मसीह के, प्रेज द लॉर्ड। करना सारी बातों के लिए धन्यवाद है यीशु मसीह के नाम से। मौली जा रहा हूँ, बाय। बाय मौली। मौली भैया जा रहा है, बाय बाय, गुड लक। जा रहे पापा, मिस कीजिएगा, मिस कीजिएगा, कुछ रहे हैं, हाँ मिस करें, रोइए का मगे चले। क्या लगे अच्छे से? पापा गए, बाय पापा। तो गाइस हमारी ट्रेन खुल गई है और अभी हम लोग पटना से निकल गए हैं। हम लोग जाएंगे, लास्ट डेस्टिनेशन होने वाला हमारा आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली, करेक्ट है भैया? अपना भोजन वस्तु करते हुए एक भैया शांति से बैठे हुए और मैं यहाँ पर शांति को भंग करता हुआ। तो गाइस ट्रेन इतनी ज्यादा लेट है, 9 घंटे डिले हो गया ट्रेन और मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूँ और दोपहर के 2 बजने वाले हैं। सो देखते हैं कब पहुंचता हूँ। इतना डिले है यार, सच में स्पेशल ट्रेन कभी जिंदगी में किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, नहीं कभी दोबारा टिकट लूंगा स्पेशल ट्रेन का। ये आनंद विहार वाली प्लेटफॉर्म से लगभग कुछ मीटर पहले, कुछ किलोमीटर पहले हम लोग लगभग 30 मिनट या 1 घंटे से बैठे हैं। ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही है, 3:30 हो गया। क्या ही बोले, किस्मत कल से काफ़ी ख़राब है भाई, सच में। कभी स्पेशल ट्रेन में कभी भी ज़िंदगी में टिकट में नहीं कराने वाला हूँ, सुबह से बैटरी लो गया भाई, पता नहीं कब पहुँचूंगा। स्टे ट्यून्ड। दुख है भाई, दुख है। चल पड़ी धीरे धीरे चल पड़ी गाइस। देखो सब लोग बेचैन पड़े थे, सब फटाफट निकल रहे हैं, ये लाइन लगी हुई है भाई साहब। फाइनली भाई ट्रेन से उतर गए, दोबारा कभी नहीं चलूंगा इस पे। ये रहा वो ट्रेन यार, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस ट्रेन ने मुझे इतना जलील किया ना, मैं सच बता रहा हूँ, इतना ज्यादा परेशान किया। देखो मैं शक्ल के साथ जानवरों के जैसा हो गया, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि परमेश्वर में सिखाता है तुम माफ करो। आज इस ट्रेन को माफ करता हूँ, तो इनफिर दोबारा कभी नहीं आऊंगा, सच बता रहा हूँ। हाँ तो अलग ही भीड़ लगा हुआ भाई आनंद विहार टर्मिनल में, बस सिस्टम हैंग कर रखा है सब लोगों ने भाई। यहाँ पे हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं आनंद विहार टर्मिनल में, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बाहर मेट्रो की तरफ, और मेट्रो से मैं लूंगा GTP मेट्रो, गुरु तेग बहादुर करके एक मेट्रो, वहाँ जाऊंगा, फिर वहाँ से मैं दोस्त मुखर्जी नगर जाऊंगा। तो बने रहो, देखते हैं क्या होता है, सफर बाकी है भाई, खत्म नहीं हुआ इतना जल्दी। तब तक के लिए स्टेट में बने रहो, मजा आने वाला है। ये दिल्ली की गर्मी और ये दिल्ली का भीड़, कड़ी हुई गर्मी है भाई यहाँ पर, राजधानी में काफ़ी गंदी गर्मी है, भीड़ भी उतनी ज़्यादा। चलो ठीक है, मेट्रो तक पहुँचते हैं, वहाँ पर थोड़ी AC की ठंडक मिलेगी। यहाँ भाई अलग ही लाइन लगा हुआ है मेट्रो में जाने के लिए, बहुत ये भाई। और ये खुल गया हमारा द्वार, देख सकते हो। तो अभी तो पहुंच गया मेट्रो पे, यहाँ पे आने वाला मेट्रो GTP रोड के लिए। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, जब रूम में जाके थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगा तब जाके थोड़ा फ्रेश फील करूँगा। तब तक के लिए तो भाग दौड़ लगा रहेगा, अभी भी है लगभग 1 घंटे का रास्ता। यहाँ तो रात है यार, अभी हम लोग आ गए राजू चौक पे और यहाँ से हम जाएंगे GTP नगर की तरफ। यहाँ तो लगे भीड़ है भाई, बैग, मेट्रो गेट, जगह नहीं मिली। हम लोग पहुँच गए हैं GPT नगर, हमें जाने वाला अपने दोस्त यहाँ, तो स्टेट में बने मिलते हैं आगे। चलो भाई एग्जिट करने का टाइम हो गया, चलो भाई तुमसे यहाँ तो मेहनत से थोड़ा बचा,
तो हर जगह मेहनत देखो इतना भारी बैग है ऊपर से। सेफ लैंडिंग। कितने तीन जने हो गए? हाँ भाई तीन जने हो गए। सीधा मोदी के पास जाएगी, वही ऑटो पकड़ लिया, सीधे लैंड करूँगा अपने दोस्त के घर पे। ये भाई दिल्ली का पढ़ाई वाला हब, इंडिया का सबसे पॉपुलर दृष्टि IAS, जहाँ पे लोग प्रिपरेशन करने आते हैं सिविल्स का। बहुत कम लोग निकल पाते हैं, लेकिन हाँ ये रहा वो जगह जहाँ लोग आते हैं हर शहर से, हर स्टेट से अपने आप को इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि कुछ पढ़ा पा सके। मेरा दोस्त प्रिपरेशन कर रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो ऑटो वाले भैया ने यहाँ पर उतार दिया, बोला जाओ अपने घर, कहाँ जाना है तुम्हें? दोस्त मेरा यहाँ बुला गया है, देखते हैं कहाँ पे है। अरे ये रहा मेरा दोस्त, ये रहा। इधर बोला उसने रुकने को, अमूल बुद्ध के पास। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रुकते हैं क्या करेंगे, रुकने से कोई फायदा तो है नहीं, थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। आज पहाड़ भी चढ़वा दे भाई। अभी सबवे टनल पार कर लेते हैं हम लोग। ये पार करने के बाद उस पार अपना दोस्त खड़ा है। फिर आज ये लगभग 12 घंटे का सफ़र मैंने 20 घंटे में तय किया ट्रेन में, और ये कॉम्प्लीमेंट्री अलग से 1.5 घंटा। बड़ी बड़ी मेहनत है, बड़ी धूप है, कोई बात नहीं, लगभग पहुंच चुके हैं। 10 मिनट के अंदर शायद मैं रेस्ट कर रहा हूँ और आखिरी वीडियो क्लिप बना रहा हूँ, स्टे ट्यून। लगता है गाइस वो आ गया है और आके मुझे फोन पे फोन कर रहा है, वो रहा जायका, और यहीं पे आने वाला है। मैं दिख तो नहीं रहा, उसने बोला जायका के पास खड़ा रहने को। मैं बिल्कुल जायका के ठीक पीछे हूँ और पता नहीं वो कहाँ गायब, मुझे मालूम नहीं। ये देख लो गाइस, ये आ रहा है मेरा दोस्त। अभी से नहीं, बहुत देर से लड़का मुझे खड़ा कर, दो मिनट करके आधा घंटा कम से कम खड़ा करवाए। लो भाई लो, थक गए होगे ना, आते थे, लो पियो पानी पियो। एहसान कर दिया ना, आके एहसान कर दिया मेरे पे। बैठ के रहा, चलो पीछे बैग है भारी सा। कितना बेशरम, आके खुद ही पानी। चलो मैं थक गए होंगे ना, वहां से यहाँ तक आने में सही थक गए होंगे, क्या बात है ना। कितने केजी का बैग होगा भाई, कम से कम? मेरे वेट का डबल। तेरा वेट कितना है? 20 केजी। और ये 60 केजी का। यार अब मुझे कौन लेके जाएगा, ठीक है, ओवर एक्टिंग हो गया। हल्का फील कर रहा हूँ आज। तो गाइस घर पे अभी कुछ बनेगा, उसके लिए भाई सब्जी ले रहा है, मेरा जिम्मेदार बेटा। हो गया। तो गाइस हम अपने गली में आ गए अभी। देख रहे बैग का वजन, मेरा दोस्त थोड़ा बौना है ना, इसलिए इस पे और भी ज्यादा बड़ा दिख रहा है ये। भाई और कितना दूर है? 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। भाई 10 सेकंड हो गया, अभी तक नहीं आया। 10 सेकंड और आ गया। ओहो, फाइनली वो द्वार जो हम लोग कई घंटों से देखने की उम्मीद लगाए बैठे थे आ गए। पहुंच चुके गाइस, यहाँ ज्यादा हल्ला नहीं करना है, क्योंकि इधर पेन ड्रॉप साइलेंस है, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं यहाँ पर, ये भी एस्पिरेंट है। वाओ गाइस, यही है जिंदगी। अरे मुझे लगा ये टीवी है, लेकिन ये तो खिड़की निकला, बड़ी चड्डी। वाह 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 भाई, भारत का नक्शा ही सब नहीं दिख रहा है। वाह वाह क्या बात। तो गाइस ये रहा हमारा पटना से लेकर के दिल्ली तक का सफर, कितने चैलेंजेस आए, कितना कुछ हुआ। उम्मीद तो नहीं था कि इतना गड़बड़ी होगा, मतलब गड़बड़ी बोले तो क्या, ट्रेन इतना लेट हुआ, 9 घंटे डिले था,
लेकिन प्रभु की कृपा से हम लोग पहुंच गए जगह पर और अभी बहुत अच्छे से हूँ मैं। मैंने नहा लिया है, काफी फ्रेश फील कर रहा हूँ। हम लोग खाएंगे थोड़ा, मार्केट में शाम को घूमेंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं हम लोग, और इसी तरह ब्लॉग को शेयर करें, प्यार देते रहे, और आगे का जो कुछ भी होगा दिल्ली में, जैसा भी सफर होगा, मैं सब कुछ आपसे शेयर करूंगा। आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहना, लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना, शेयर भी करते रहना, और सपोर्ट रखना हमेशा आप लोग मेरे साथ। तब तक के लिए बाय, प्रेज द लॉर्ड जीसस।